ओके, फॉरवर्ड बेंडिंग से स्टार्ट करते हैं। दोनों एल्बो को फोल्ड करेंगे और अप एंड डाउन करेंगे इन फॉरवर्ड बेंडिंग में, और कोशिश करेंगे कि अपनी एल्बो को ज़मीन पर टच कर सकें। स्टार्ट, एल्बो को वेस्ट, वेरी गुड। 20, 19, अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए। 18, इस चीज़ को स्ट्रेट रखते हुए। हाँ, 17, आगे की तरफ, यहाँ ज़मीन पर टच करने की कोशिश, यहाँ पे। 16, 14, और आगे। 13, 12, 11, आगे की तरफ स्ट्रेच करो, और आगे की तरफ स्ट्रेच। 10, 9, 8, 7, 6, 5, यहीं पे अब अपने एल्बो को आगे की तरफ स्ट्रेच करो, आगे की तरफ, मैक्सिमम आगे, और आगे की तरफ, हाँ ऐसे, और आगे की तरफ अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच करते हो, और आगे की तरफ, और स्ट्रेच करके 10 काउंट तक होल्डिंग। 10, कम ऑन, स्ट्रेच मोर। 9, 8, और आगे स्ट्रेच। 7, स्ट्रेच स्ट्रेच, और आगे स्ट्रेच कर। 6, हाँ एल्बो को फोल्ड करके आगे तक। 5, मैक्सिमम स्ट्रेच, लोअर बैक को मैक्सिमम आके, लंबर वाले पोर्शन को अपने जितना हो सके आगे की तरफ स्ट्रेच करो। 3, 2, 1, रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे और सिंगल सिंगल लेग से पीछे हिप्स पे हिट करो और अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। यहीं से एक पैर को पीछे रख लेंगे और एक पैर को आगे, और दोनों पैरों के बीच में करीब 1.5 फीट का गैप, आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। 10 काउंट तक नीचे स्ट्रेच करेंगे और 10 काउंट तक यहाँ पे पकड़ेंगे, और नीचे की तरफ अपने अपर बैक को, लोअर बैक को, अपर बैक को पूरा मैक्सिमम स्ट्रेच करके होल्ड करेंगे। पहले रोलिंग करते हैं, अपनी एल्बो को फोल्ड करो एंड अप एंड डाउन रोलिंग। 1, वेरी गुड। 2, मैक्सिमम डाउनवर्ड खींचो अपनी बैक को। 2, हंच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नी बेंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3, बॉडी वेट को मेंटेन करते हुए अप एंड डाउन। 4, कम ऑन स्ट्रेच। 5, और नीचे खींचो, यहाँ पे इस तरफ आने, यहाँ पे आना है, यहाँ पे। 6, और आगे स्ट्रेच। 7, वेरी गुड, और आगे, यहाँ तक आना, यहाँ तक स्ट्रेच करने की कोशिश। 8, और आगे। 9, 10, नाउ इंटरलॉक योर फिंगर इन द एंकल, या नाउ स्ट्रेच योर लेग एंड स्ट्रेच योर अपर बॉडी मैक्सिमम डाउनवर्ड। थोड़ी सी इस पैर को पीछे कर, पिछले वाले पैर को, और पीछे, और पीछे, बस, एंड होल्ड। 10, 9, 8, और स्ट्रेच। 7, 6, और स्ट्रेच करेंगे, नी को स्ट्रेट कर। 5, वेरी गुड। 4, 3, 2, वापिस रिलैक्स। दूसरे पैर से सेम प्रैक्टिस। अब जो फ्रंट लेग था उसको बैक लेकर जाओ, और जो बैक लेग था उसको फ्रंट लेके आओ, और उसके बाद अपने एल्बो को फोल्ड और मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। इंटरलॉक करो फिंगर्स को, और यहाँ से बॉडी को आगे की तरफ खींचना, और इस चीज़, इस वाले पोर्शन को और आगे की तरफ पुश करते रहना है। हाँ, और आगे स्ट्रेच करने की कोशिश। 1, थोड़ा सा ऊपर उठो और आगे की तरफ पुश करते हुए। 2, कम ऑन रोलिंग की तरफ। 3, 4, 5, 6, 7, और आगे मानसी, और आगे स्ट्रेच। 8, यहाँ तक। 9, 10, ना अब यहाँ एंकल से पकड़ अपने पैर को, हाँ, और बॉडी को नीचे की तरफ खींच, पूरे लेग स्ट्रेट रखना, और इस पोर्शन को मैक्सिमम नीचे खींचने की कोशिश, वेरी गुड। 10, सेजल खींच के। 9, खींच के बिल्कुल। 8, हाँ वेरी गुड। 7, सलोनी, और स्ट्रेच करने की कोशिश। 5, कम ऑन स्ट्रेच मोर। 4, स्ट्रेच। 3, और स्ट्रेच कर। 2, 1, रिलैक्स, कम बैक, और अगेन अपने दोनों पैरों से सिंगल सिंगल हील्स को हिप्स पे हिट करेंगे। थोड़ा सा कमर में हाथ रख के पीछे बैकवर्ड बैंडिंग, ताकि तुम्हारी बैक और हैमस्ट्रिंग दोनों थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है।
ओके रिलैक्स, थोड़ा सा वॉक करो मैट पे आगे पीछे, वॉक करो ताकि थोड़ा हिप्स पे हिट करते हुए इसको आगे पीछे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ पेन हो रहा है तो तुम ऐसे ऐसे वो भी कर सकते हो, इसको शेक कर सकते हो ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। दोनों पैरों के बीच में 2 फीट का गैप बनाएंगे अराउंड, दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल को पकड़ेंगे और अपनी लोअर बैक को मैक्सिमम स्ट्रेच करते हुए, अपने नीज को स्ट्रेट करते हुए कोशिश करेंगे कि जो तुम्हारा हेड है उसको ज़मीन की तरफ मैक्सिमम स्ट्रेच करके ज़मीन पर टच करने की कोशिश की जाए मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, अपनी लंबर वाले पोर्शन को मैक्सिमम नीचे स्ट्रेच कर, हाँ, और ज़मीन की तरफ थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप बना, या अब नीचे की तरफ मैक्सिमम स्ट्रेच करके होल्ड, हाँ, सिर को अंदर की तरफ, वेरी गुड। अब नीचे बिल्कुल बैक जो है बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए, 2, 10 count तक मैक्सिमम स्ट्रेच, 3, वेरी गुड, कम ऑन स्ट्रेच मोर, 4, मैक्सिमम स्ट्रेच, 5, स्ट्रेच मोर, 6, मैक्सिमम एफर्ट, 7, कम ऑन लिटल मोर, 8, वेरी गुड वेरी गुड, 9, लास्ट टाइम, 10, वेरी गुड, स्लोली कम बैक, थोड़ा सा पैरों को आगे ऐसे फ्लैप करते हुए थोड़ा सा रिलीज करो। अगर किसी जगह में पेन हो रहा है तो थोड़ा सा वॉक करते हुए, थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए इस पोर्शन को ऑब्जर्व के साथ, यहाँ से टिटी बासन करेंगे, रेडी, 1, 2, 3 स्टार्ट। जहाँ पे नाइस स्ट्रेच करा था वहाँ पे जाएगा, स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, मैक्सिमम स्ट्रेच करके होल्ड करेंगे, 1 खींच के, 2, 3, 4 नी स्ट्रेट, फेस को ऊपर उठाओ, 4 स्ट्रेच करो थोड़ा सा और, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्लोली वापिस, स्लोली वापिस आएंगे, नीचे बैठ जाओ आराम से, नीचे बैठो, अपनी बैक को अपने लेग्स को नॉर्मल करेंगे आगे की तरफ सीधा पैरों को, और थोड़ा सा पैरों के पंजे को शेक करते हुए अपने लेग्स मसल को रिलीज करो, ठीक है। यहाँ से वज्रासन की पोजीशन में आएंगे और एक लेग को आगे स्ट्रेट करके स्ट्रेट रखेंगे, एक लेग से वज्रासन, दूसरे लेग को स्ट्रेट, और जो सा लेग स्ट्रेट है उसको आगे ब्रिक्स के ऊपर रखो पैर को, पैर का पंजा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अब इनहेल करते हुए ऊपर हाथों को एक्सपेंड करो, इनहेल एंड एक्सपेंड योर चेस्ट, इनहेल कम्प्लीटली इनहेल, और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ से बिल्कुल अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे क्रॉस, अपने टोस के क्रॉस में लेकर जाकर, और अपनी लोअर बैक को कम्प्लीटली स्ट्रेच करेंगे, पैर के पंजे ऐसे टेढ़े नहीं होने चाहिए, पैर के पंजे बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए ऐसे, हाँ, ठीक है। अब स्ट्रेच करो, एल्बोज को बाहर की तरफ खुलने दो, या अब अपने लोअर बैक को मैक्सिमम स्ट्रेच, हाँ, पैर के पंजे सीधे और लोअर बैक को कम्प्लीटली आगे स्ट्रेच, वेरी गुड, और आगे स्ट्रेच करने की कोशिश, और जो नीचे वाला जो पैर वज्रासन में है ना, ये हिप्स के नीचे ना रख के हल्का सा साइड में रखो, और दोनों हिप्स को अच्छे से ज़मीन पे टच रखो, हिप्स को ऊपर लिफ्ट अप करके नहीं रखना, ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे, एल्बोज को ज़मीन पे टच मत होने दो, अच्छे से इंटरलॉक करो यहाँ पे, और उसका एल्बो को ऊपर उठाते हुए लोअर बैक को आगे खींचो, बैक में 1% थोड़ा सा भी हंच ना हो, पैर के टोज को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच करते हुए ये यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल लोअर बैक को स्ट्रेच, 10, वेरी गुड, एल्बोज बाहर की तरफ और आगे स्ट्रेच करो, वेरी गुड, 9, कम ऑन पैर के पंजे अच्छे ठीक करके करते हुए, 7, 6, मैक्सिमम स्ट्रेच,
फाइव, कम ऑन, स्ट्रेच मोर, लिटिल मोर, फोर, थोड़ा सा और स्ट्रेच, थ्री, टू, वन, स्लोली कम बैक. थोड़ा सा इनहेल एंड ब्रीदिंग जोड़ते हुए, चेंज द लेग, सेम स्ट्रेच विथ अदर लेग. हैमस्ट्रिंग मसल्स में सभी के स्ट्रेच पड़ रहा है ना, हैमस्ट्रिंग मसल्स और लोअर बैक में ये स्ट्रेच फील होना चाहिए. ठीक है, रेडी, वन, टू, थ्री, स्टार्ट. अगेन इनहेल एंड एक्सपेंड योर चेस्ट मैक्सिमम अप एंड देन एक्सहेल एंड स्लोली बेंड फॉरवर्ड, इंटरलॉक योर फिंगर्स, क्रॉस योर टोज. नाउ मैक्सिमम स्ट्रेच योर लोअर बैक, एल्बोज आउट, मैक्सिमम स्ट्रेच. डू नॉट मेक हंच ऑन योर बैक, जस्ट कीप योर बैक स्ट्रेट. मैक्सिमम 10, कम ऑन, स्ट्रेच मोर, 9. और तुम्हारा जो थाई वाला पोर्शन है, हैमस्ट्रिंग वाला, मसल्स वाला पोर्शन है, वो जमीन पे टच रखने की कोशिश करो. 7, अगर उसको लिफ्ट अप करते हो, यानी नी बेंड करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो, इसलिए हमने ब्रिक्स को आगे रखा हुआ है. 5, कम ऑन, स्ट्रेच मोर, मैक्सिमम. 4, ट्राई टू टच योर टो बाय योर हेड, कम ऑन, स्ट्रेच मोर. 3, 2, 1, स्लोली कम बैक. रिलैक्स, थोड़े से लेग्स को अपने रिलैक्स करो, दोनों लेग्स स्ट्रेट करते हुए, अपने टोस को फ्लैप करते हुए, नी को फ्लैप करो, अप एंड डाउन नी, अप एंड डाउन नी फ्लैप करते हुए अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को रिलीज करेंगे. अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ हैंड सपोर्ट, नेक हैंगिंग बैकवर्ड, जस्ट डीपली इनहेल एंड एक्सहेल एंड जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, लेग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. ओके, सेम पोजिशन, दोनों लेग के बीच में 2 feet के अराउंड गैप, 2.5 feet के, जितना तुम्हारा मैट की थिकनेस है उतना गैप बनाओ. दोनों हाथों से दोनों पैरों के बाहर की तरफ से हील्स को पकड़ेंगे, आउटवर्ड साइड से हील्स पे लॉक करो, वेरी गुड. या अब मैक्सिमम स्ट्रेच करो अपनी लोअर बैक को, अपनी कंप्लीट स्पाइन को, मैक्सिमम स्ट्रेच. पहले चिन सामने रखते हुए चेस्ट को हल्का सा ऊपर उठाते हुए मैक्सिमम स्ट्रेच करो, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी चेस्ट को, चिन को एंड स्टमक वाले पोर्शन, एब्डोमिनल रीजन को मैक्सिमम स्ट्रेच करते हुए नीचे पुश करेंगे, और जो बैक में हल्का फुल्का जो हंच है उसको कंप्लीटली स्ट्रेच करके खत्म करने की कोशिश. वेरी गुड, थोड़ा सा स्ट्रेच और स्ट्रेच, वेरी गुड. अब नीचे की तरफ चिन करो, 10, वेरी गुड, कम ऑन, स्ट्रेच मोर, थोड़ा सा और, 9, वेरी गुड, नी, डोंट बेंड योर नीज, 8, कम ऑन, स्ट्रेच मोर, लिटल मोर, मैक्सिमम, 7, स्ट्रेच, स्ट्रेच मोर, 5, कम ऑन, स्लोली स्ट्रेच, 5, और स्ट्रेच, 4, वेरी गुड, वेरी गुड, 3, कम ऑन, स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच, 2, रिलैक्स, धीरे से वापिस. बहुत बढ़िया, लेग्स को दोबारा से नॉर्मल करेंगे. तुम नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हो, ये स्ट्रेट है, इसको मोड़ के ये, ताकि तुम्हारे हैमस्ट्रिंग वाले मसल्स थोड़े से रिलैक्स हो जाए. एक एक करके ऐसे मोड़ लिया, ठीक है, इसको ये कर लिया, थोड़ा सा मोड़ के ये कर लिया, ताकि तुम्हारे कंप्लीट लेग मसल्स थोड़े से, तुम थाइस पे हाथ रखे, थाइस को ऐसे कर सकते हो स्ट्रेच. में जितना एफर्ट लगाते हो, थोड़ा सा एफर्ट रिलैक्सेशन में भी लगाओगे तो इम्प्रूवमेंट अच्छी हो सकती है. अब सेम चीज़ उत्तान कुर्मासन में करेंगे हम. कुर्मासन की पोजीशन में दोनों हाथों को अंदर से पीछे की तरफ घुसाएंगे और लेग और अपनी चेस्ट बैक को स्ट्रेट करेंगे बिल्कुल, ठीक है. थोड़े से नी को फोल्ड करो सेम पोजीशन में, या अपने दोनों हाथों को दोनों पैरों के नीचे से अंदर की तरफ, या अपने हाथों को बाहर के इस तरीके खोलेंगे, इस तरीके से 180 डिग्री में, ठीक है. थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ जिगजैग पोजीशन में, ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो. उसके बाद दोनों जो आपके नी होंगे वो शोल्डर के ऊपर रखेंगे मैक्सिमम,
कोशिश यहाँ पे ये करना है, पहली बात लेग तुम्हारे बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, दूसरी चीज अपनी चिन, चेस्ट एंड स्टमक। चिन और चेस्ट लगना आसान है, लेकिन स्टमक एब्डोमिनल वाला रीजन लगना मुश्किल है, और उसी वजह से बैक में हंच बनता है। जितना हो सके नीचे पुश करो अपनी एब्डोमिनल वाले रीजन को, तो अपने आप लेग आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट हो जाएगी। 10 कम ऑन स्ट्रेच, 9 स्ट्रेच करो, इस चीज को और पुश करो, वेरी गुड, और पुश। 7 कम ऑन पुश प्रिया, लिटल मोर, वेरी गुड। 5 मैक्सिमम पुश, 4 थोड़ा सा और पुश करेंगे, 2 और पुश करो, 1 रिलैक्स स्लोली बैक। ब्रिक्स को बैक साइड में रख लो, ठीक है। एक बार फिर से दोबारा वज्रासन की पोजीशन में आएंगे, एक लेग को बाहर निकाल लो और दूसरे लेग को बाहर की तरफ, एक लेग को बाहर निकाल के स्ट्रेट कर लो आगे, और दोनों अपने हिप्स को जमीन पे रखो, ठीक है। अब जो सा लेग स्ट्रेट है उसको घुटना मोड़ लो और इंटरलॉक करो फिंगर्स को टोस के क्रॉस में। अब कोशिश ये करना है कि जो आपका जो ये लेग है इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेट 90 डिग्री में स्ट्रेट करना है, ठीक है। और अपनी जो बैक है उसको स्ट्रेट ही रखना है, हंच नहीं बनने देना। अब अगर आप तुम लोग स्ट्रेच नहीं करोगे तो बैक में हंच बन जाएगा, ठीक है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। बैलेंस के साथ साथ स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग होगी, अब बैलेंस भी देखा जाएगा और स्ट्रेचिंग भी देखी जाएगी। रेडी, वेरी गुड, बिल्कुल 90 डिग्री में स्ट्रेच करके एल्बोज को आउट रखो। जब स्ट्रेच कर रहे हो तो एल्बोज को आउट करके मैक्सिमम ऊपर खींचो, और ऊपर खींचने की कोशिश, सिर को ऊपर देखो, टोस पे देखो, हाँ अब ऊपर स्ट्रेच करो, टोस को देखते हुए ऊपर स्ट्रेच करो, और सिर जो आपका तुम्हारा फोरहेड वाला रीजन है उसको मैक्सिमम ऊपर स्ट्रेच एंड होल्ड। 10 वेरी गुड, 9 लिटल स्ट्रेच मोर, स्ट्रेच मोर, 7 और स्ट्रेच टोस को अंदर की तरफ, 6 और ऊपर स्ट्रेच, 5 और ऊपर स्ट्रेच करो, 4 टोस अंदर की तरफ और बॉडी लिफ्ट अप ऊपर, 3 और ऊपर की तरफ, 2 थोड़ा ऊपर की तरफ, 1 रिलैक्स स्लोली कम बैक। नाउ चेंज द लेग, स्ट्रेच मिल रहा है, ठीक है। सेम विथ अदर लेग, अगेन फोल्ड योर लेग, इंटरलॉक योर फिंगर्स, नाउ स्ट्रेच योर लेग इन द अपर साइड एंड स्ट्रेच योर होल बॉडी मैक्सिमम अप, आप ऊपर की तरफ खींचो, या वेरी गुड। 10 9 8 और ऊपर, 7 वेरी गुड टू अंदर, 6 थोड़ा सा ऊपर, 5 4 लेग स्ट्रेट, लेग शुड बी स्ट्रेट, 3 ऊपर, 2 1 रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन इंटरलॉक करके करेंगे, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन, रेडी, लेग स्ट्रेट, इनहेल एंड एक्सपेंड द चेस्ट, रेज अप योर शोल्डर, मैक्सिमम स्ट्रेच योर बॉडी, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड मैक्सिमम अप, स्ट्रेच योर बॉडी मैक्सिमम अप, मैक्सिमम अप, लिटिल मोर। नाउ स्लोली स्लोली एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड विदाउट हंचिंग ऑन योर बैक, जस्ट इंटरलॉक योर फिंगर्स क्रॉस टू योर लेग्स। Now maximum stretch your, first of all don't touch your chest and chin on the leg, just stretch your back maximum in the forward diagonally, and then slowly put down your abdominal, put down your chest and chin and maximum stretch and hold. During practice you have to interlock
एंड मैक्सिमम स्ट्रेच योर बैक, 10, 9 मैक्सिमम स्ट्रेच, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 slowly come back.